वो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें हमारे बचपन में होती है, उतनी ही ज़रूरत उन्हें उनके बुढ़ापे में हमारी होती है। इन 70 साल से ज़्यादा दादा के जीवन में जो केला बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 3 बेटे होने के बाद भी उन्हें कमाना पड़ रहा है। डेली का 150 कमा कर अपना जीवन यापन कर अपना इलाज करा रहे हैं। तो चलो हम मिलते हैं जवाब दादाजी से, आइए। दादाजी, तो आप फिर से एक बार हमें बताइए कि आपका उम्र कितना है? उम्र 60-70 से कम नहीं। 60-70 साल के हैं दादाजी, और ये जो कि दुकान लगाते हैं, आप क्या क्या बेचते हो दादाजी? केला जाम से भी बेचते हो, पपीता वगैरह भी लाते हो? मतलब कभी कभी मिल जाते। तो आपके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे यहीं रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं उन लोग? अच्छा, वो गाड़ी का दुकान है, नहीं का? अच्छा, तो सामने देख रहे हैं वो गाड़ी का दुकान है दादाजी का। और आप दादाजी अब मतलब एक ही घर में एक साथ रहते हैं तीनों बेटे की अलग अलग? अच्छा, एक के घर में 14 परिवार है आप लोग का? नाती होती है। और यहाँ प्रॉपर यहाँ आपको 50 साल ही हुआ है कि ज़्यादा भी हो गए? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे थे तब से यहाँ दादाजी दुकान खोल रहे हैं? अच्छा, यही आप पहले यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ से पहले 50 साल पहले बस यही रहता था, हमारा यूपी वाली साइड से। तो ये कौन है आपके? नाती। अच्छा, ये नाती आपके बड़े बेटे के बेटे? अच्छा, मंझे वाले। तो आप कौन से क्लास में बेटा? क्लास 4। कौन सी स्कूल में पढ़ते? गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और दादाजी का हेल्प कीजिए। तो आप दिन भर इनके साथ रहते हो दादाजी के साथ? अच्छा, यहीं रहते हैं तो खाते हैं। तो अब दादाजी फिर भी आपको यहाँ काम नहीं करना चाहिए, जो कि आपका उम्र हो चुका है 70 साल? हाँ। अच्छा, आपका आप शुरू से आप काम कर रहे हो तो इसलिए आपका मन नहीं लगता आपके कहने का मतलब? तो दादाजी दिन भर में आप सिर्फ 50-100 रुपये का ही बेच पाते हो? अच्छा, 150 रुपये मतलब आप कमा लेते हो? अच्छा अच्छा, तो हमें भी केला दीजिए एक दर्जन। अच्छा, ये है। तो दादाजी कितने का हुआ? 40 रुपये ना? तो ये हमारे तरफ से रखिए पूरा, ठीक है? ठीक है। देखिए जैसे कि दादाजी दिन भर मेहनत करते हैं, और यहाँ मेहनत करने के बाद 150 रुपये दिन भर कमाते हैं, और उसके बावजूद भी घर में उनको 3 बेटे हैं जो कि अलग अलग महीने महीने दिन रहते हैं सबके पास, तो पैसा ले जाके देते हैं, और उनका तबीयत ख़राब रहता है, जिसमें कि चंदूलाल में हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, तो वहीं 1.5-2 हज़ार वहीं पैसा लग जाता है। तो जैसे कि आप जैसे भी हेल्प कर पाएँ दादाजी का, वैसे आप यहाँ आइए या फिर मेरे को कांटेक्ट कीजिए। दादाजी का एड्रेस है खोखा रानी पेट्रोल पंप के पास। और ये आसपास कौन सा दुकान है दादाजी? जैसे कि सोनी मोबाइल्स करके है, और ये चौक दिखाइए, रानी लक्ष्मीबाई चौक। ये रानी लक्ष्मीबाई चौक है। तो आप अगर आएँ तो यहाँ आइए, तो जस्ट यहाँ से राइट लेते ही, लेफ्ट लेते ही यहाँ दादाजी का दुकान है। तो अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर दादाजी से एक बार ले लीजिए थोड़ा मुझे, अगर नहीं भी ले तो आप दादाजी को हेल्प ज़रूर करें।